फाइंड वैल्यू ऑफ एम, हाँ फाइल फाइंड वैल्यू ऑफ एम है ना, इफ इफ इक्वेशन आपकी है अक्स स्क्वायर माइनस अक्स प्लस टू अक्स प्लस एम स्क्वायर माइनस का 4m+4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। परफेक्ट स्क्वायर दे सकते हैं या इसको दे सकता है कॉन्सिडेंट रूट। कौन सा रूट दे सकता है? कॉन्सिडेंट रूट दे सकता है। कौन सा रूट दे सकता है? कॉन्सिडेंट रूट। हाँ तो ये क्या है? कॉन्सिडेंट रूट है। कॉन्सिडेंट रूट कौन सा होता है? थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि जब सेम रूट आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट रूट। देखो ये रहा, ये रहा। हाँ तो क्या करेंगे हम इस कंडीशन में? कर देंगे हम डी आपका क्या कर देंगे? डी आपका जीरो कर देंगे। डी क्या कर देंगे? जीरो है ना। कॉन्सिडेंट का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका, इसका मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, रूट्स आर इक्वल देन डी इक्वल टू जीरो। डी इक्वल टू जीरो है तो हम डी को जीरो करेंगे तो डी क्या होता है? डी होता है, अच्छा यहाँ से इस इक्वेशन के ये निकाल दीजिएगा, इस इक्वेशन का ए है आपका 1 है, बी आपका माइनस का m+2 है और सी इसका है m² - 4m+4। तो ये आपको थोड़ा सा नजर आएगा तो m-2² ही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम डी करेंगे, डी होता है आपका b² - 4ac, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो बी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? -m+2² - 4a=1 है और सी का मतलब है आपका m-2². हाँ जी इतनी बातें ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ और करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा आपका इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से m+2² नज़र आ गया होगा आपको, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2। ओके ओके थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4m-2² हाँ जी। और अब ध्यान से सुनिएगा, m+2 = हो जाएगा +m-2 और इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो m+2 = +2m-4। हाँ जी अच्छा, एक बार इसको क्या कर लेंगे, एक बार इसका कर लेंगे m+2 = +2m-4 है तो इसका किस तरीके से कर देंगे? एक बार कर लेंगे हम m+2 = 2m-4, दूसरा हम कर लेंगे m+2 = -2m-4। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका m = 6 अगर पॉजिटिव लिया है तो, और यहाँ इसका हो जाएगा m = 2/3। तो m की जो वैल्यू हम देखना चाह रहे थे वो दो वैल्यू आई, कोई भी ले सकता हो। हाँ जी m की वैल्यू मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, बिल्कुल करेगी।